जी नमस्कार गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं बैंक अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे हाँ जोश की वजह भी है मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है ऐसे ही जोश नहीं है जोश की वजह सिर्फ इतनी है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे दोस्तों रिजल्ट आया है और सबसे पहले हम उन सभी छात्रों को संबोधित करते हुए मेरे दोस्तों कहना चाहेंगे कि जिन्होंने उड़ा दिया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं अड्डा 247 परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं किसी कारणवश किसी का नहीं हुआ तो निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों सफलता असफलता आपकी राह का एक हिस्सा है आपकी मंजिल का एक हिस्सा है साल की शुरुआत हुई है अपनी 2020 अर्थात पिछले वर्ष की गलतियों से सबक लेते हुए उठकर खड़े होकर के मेरे दोस्तों फिर उसी रफ्तार के साथ हम सारे लोगों को दौड़ना है और जहां तक बात है मेरे दोस्तों कि अब आगे जिनका भी प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है उनके मेंस की जहां तक मेरे दोस्तों बात है तो मुझे इतनी उम्मीद है कि जिनको मतलब अभी चूंकि बहुत कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है वो बच्चे कंटिन्यू ऑलरेडी लगे हुए हैं बैचेस हम लोग के ऑलरेडी प्लान है ठीक है ठीक है बैचेस ऑलरेडी प्लान है बैचेस चल रहे हैं और अभी जिन बस वही है कि लास्ट मोमेंट पे एक जो सबसे शानदार चीज होती है वो है आपका कैप्सूल तो उसका जरूर आप सारे लोग सेवन करें ऐसी हमारी आप सबको सलाह रहेगी ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों ठीक है तो तैयार है आप सारे लोग तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सामने फिलहाल वो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही जो मतलब ऐसे हैं हमारे बीच में जो 2021 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो शुरू करते हैं जीरो टू तो हीरो की याद से आपकी क्लास की अप्रोक्सीमेशन यहां पे हम सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम को कवर कर रहे एक फाउंडेशन दो हजार इक्कीस के लिए आपके लिए मेरे दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के सेशन में जैसे कि आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पिछले वीक में पूरा का पूरा परफॉर्म किया आज हम लोग अप्रोक्सिमेशन की पहली क्लास करने वाले ठीक है अप्रोक्सिमेशन की पहली क्लास करने वाले हैं तो पूरी एनर्जी के साथ पूरी शिद्दत के साथ आप लोग शेयर करना शुरू

बिल्कुल होता है ना घटनाओं से आप रूबरू रहेंगे अवेयर रहेंगे कि कब क्या हुआ कैसे हुआ है ना क्योंकि तो हम नोटिफिकेशन से लेकर के आपको ज्वाइनिंग दिलाने तक की हर एक घटना को कवर करते हैं मेरे दोस्तों और वो भी सबसे तेज ये आप सब लोगों ने देखा होगा है ना तो चलिए चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और आगे कंटिन्यू करते हैं तो आज अप्रोक्सिमेशन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बिंदुओं मतलब बेसिक आधारभूत बिंदुओं पर बात करने के साथ सेशन को शुरुआत करेंगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हाँ जी अप्रोक्सीमेशन में कंफ्यूजन तो नहीं होता कि कब हमें कौन सी वैल्यू पिक करनी है कौ, हमें कौन सी वैल्यू नहीं पिक करनी है ऐसा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है चलो हो सकता है आप बिगनर हैं इट मे बी पॉसिबल जैसे कि मैंने कह दिया कहीं पे लिखा है कि 17.7 तो नो no डाउट आप सारे लोग कह रहे हो भाई 17.7 है इसके आगे कुछ भी हो हमने चलो सिक्स लिख दिया नाइन लिख दिया कुछ भी लिखा है तो

अब कहीं पे मान लीजिए डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस है वो हमारा फाइव से कम है जैसे कि मैंने कहीं पे लिख दिया लिखा भाई सिक्सटीन पॉइंट फोर थ्री समथिंग वन लिख दिया भी चलो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली हमें फोकस करना होता है डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस लिखा हुआ है उस पर फोकस करना होता है मेरे दोस्तों तो हमने देखा से छोटा नंबर है तो हम इस पीछे वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे हम लोग इसकी लगभग वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग सिक्सटी लिखेंगे जाहिर सी बात है आप सबके मन में आ रहा हूं गुरु जी फाइव हो जाए तब है भाई अगर सिक्सटीन पॉइंट मान लीजिए भाई आपने कहा गुरु जी पांच से बड़ा हो तो ऐसा लिखते हैं पांच से छोटा हो तो ऐसा लिखते हैं इट मे बी पॉसिबल कहीं पर लिख दिया हमने थर्टीन ऐसे लिख दिया थर्टीन ऐसे कुछ करके तो अब इसको हम 13.5 लिखा है तो हम इसको 13.5 ही कंसीडर करके चलेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए 13.5 ताकि वैल्यू हमारा रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा इंटरचेंज ना हो ठीक है इसको हम 13.5 ही लिखेंगे और 13.5 मतलब अपनी कैलकुलेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं 27 सेवन अपॉइंट टू लिख करके तो ये तो कुछ नियम कहते हैं अब जाहिर सी बात है जब आप धीरे धीरे करके अभी परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है कुछ किताबी बातें कुछ किताब मतलब कुछ कुछ किताबी बातें ऐसी होती है जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं ऐसी आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जब आपके सामने हम कहीं पर लिखेंगे भाई लिखा हुआ है भाई पांच क्यूब रूट ऑफ पांच दस, तो हम इसी पांच को इसी क्यूब रूट ऑफ फाइव वन जीरो यार मान लीजिए कहीं पर लिखा होगा मान लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फाइव वन जीरो तो हम आपको यही सलाह देंगे कि भाई कुछ नहीं आप परेशान मत हो क्यूब रूट ऑफ क्या लिख दो इसको 512 तो अब सारा का सारा नियम कि 510 को हमने उठा के 512 लिख दिया बात समझ पा रहे हो 510 को हमने क्या लिख दिया 512 तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी मेरे दोस्तों बातें होती हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन कितना आसान है प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेशन हम लोग इजी बनाएं इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं तो आइए इन्हीं चीजों इन्हीं सारी चीजों की जो आपके सामने मैंने अभी चर्चा की है इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं ठीक है तो बस चलिए आगाज करिए फिर आज के सेशन का तैयार हैं आप सारे लोग है भाई तैयार हैं आप सारे लोग बताओ इसमें अगर आपको कोई और डाउट हो कि गुरु जी ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे तो वो डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि ऐसा कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चीजें पर्याप्त हैं आपको क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए क्योंकि इसके अलावा जो करोगे वो आप सिंप्लीफिकेशन में जो करते आए वही करेंगे मेरी बात समझ पा रहे हो इसके अलावा जो आप सारे लोग दोस्तों अभी तक सिंप्लीफिकेशन में करते आए गुड़ा भाग जोड़ घटाना की आपकी अच्छी अच्छी अप्रोचेस कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ और पॉइंट जो हम आपको थोड़ा याद दिला दें यहां पे आप दो तीन चीजें कभी मत करना यूनिट डिजिट कभी भी मत चेक करना यूनिट डिजिट से गुरुजी हम यहां पे आंसर मार करने का यहां पे ऐसा कुछ भी मत चेक करना यूनिट डिजिट वगैरह मत चेक करना ठीक है ना तो डिजिट सम वगैरह कुछ चेक करना है आपको डिजिट सम वगैरह जैसे कोई तो ये बहुत अजीब ही चीज है वास्तविकता वास्तविकता से इसका दूर-दूर तक दूर कोई नाता नहीं होता डिजिट सम वगैरह हमें नहीं चेक करना है ठीक है <स्च Lahamdaughter> तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं अप्लाई करनी है मेरे दोस्तों ठीक है हमें बस क्या करना है लास्ट तक पूरा कैलकुलेट करना है एक लगभग अंदाजा लगाना है इन सारी चीजों को लेकर के आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली सबसे पहले तो आप अपना बताएं भाई आज पहला दिन है लेवल वन ही होगा हमारा ठीक है भाई लेवल वन ही है तो शुरू करते हैं एक एक करके तैयार ना आप सारे लोग <coughs> थोड़ा भाई हाँ थोड़ा खींच के शेयर भी किया जाए हाँ बच्चे अभी कुछ कम दिख रहे हैं थोड़ा खींच के शेयर किया जाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर अच्छा बी रेडी ओके तो लीजिए पहला सवाल टाइमर स्टार्ट होता है शुरू किया जाए जी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैसे निकाले अच्छा तुमको डीआई वाला याद आ रहा है डीआई वाला याद है ना लगभग कितना परसेंट है चलो डीआई पढ़ते टाइम आप देखिएगा उसको है ना अभी जो डीआई क्रेकर टू की मैंने स्टार्टिंग की थी तो वहां पे पहले यही बताया था कि लगभग जब परसेंटेज पूछा जाता है और डिनोमिनेटर काफी बड़ा सा है उस कंडीशन में क्या तरीका अप्लाई करते हैं यही बात हुई थी शायद वही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही हूँ बहरहाली सवाल पे आते हैं दोस्तों अब डेसीमल के बाद जो पहला प्लेस है उस पर बारीकी से ध्यान रखना जैसे डेसीमल के बाद क्या लिखा है यहाँ पे जीरो यानी ऊपर तो आप थ्री ही लिखेंगे ठीक

वन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसका मतलब ये 369 जो लिखा है ये हो सकता है 41 का भाई 41 का पेयर तो ढूंढना ही पड़ेगा ना इसका मतलब इसी 369 को हम देख सकते हैं कि बेसिकली लिखा क्या है ये ये लिखा मेरा 9 41 बगल में हमारा 41 तो था ही था और ये है हमारी वैल्यू x स्क्वायर की अब आप जब x लेंगे जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस 41 से हमारा एक 41 आ जाएगा और इस 9 से मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाइड बाय 41, यही हमारे एक्स की वैल्यू रही अर्थात तो वन ट्वेंटी मेरे सवाल का सही जवाब रहा कुछ कॉमन सेंस कुछ आपकी छोटी छोटी अप्रोचेस इन सबको मिला जुला करके ही आपकी निखर के आती है स्पीड समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों तो आइए शुरुआत करते हैं भाई चीजों को और आगे बढ़ाते हैं जैसे आपने देखा कि 41 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए इसका मतलब इस 369 में 41 छिपा हुआ है क्योंकि भाई स्क्वायर रूट तो तभी मिलेगा ना जब हमारे पास फोर्टी का पेयर हो क्योंकि तो प्राइम नंबर है आइए और आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर हर लीजिए टाइम स्टार्ट होता है चलिए थोड़ा स्पीड के साथ साबाश सर ये पता कैसे चलेगा इतनी जल्दी वो जल्दी वाली जहां तक बात है ना वो प्रैक्टिस से निकल के आ जाएगी पहले आप अभी पहली क्लास में है की तो पहले आप ये देखें कि आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं आराम से कि नहीं अभी जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो आप ठीक है पहले आप चीजों को सीखे मेरे दोस्तों ठीक है अब इस जगह पे आते हैं नंबर तो इतने भाई भड़काऊ भड़काऊ से लग रहे हैं अब तो लग रहा है कि बहुत खतरनाक जाएगा जबकि ऐसा हकीकत नहीं है खाली ये अफसाना है अफसाना मतलब भ्रम है अब देखो यहां पे क्या लिखा है आपके सामने ऊपर फाइव टू एट फोर पॉइंट एट का मतलब हो गया फाइव टू एट फाइव हो गया दोस्तों पांच सौ तैतीस में तीन तो तीन आ जाएगा आठ में तीन घटाओगे दोस्तों पांच तो आ जाएगा फिर नौ में पांच घटाएंगे तो वैल्यू चार के बराबर आ जाएगी इतना तो बराबर के उस साइड बचा और इधर कितना लिखा है मेरे भाई आपने कहा एक्स परसेंट हंड्रेड लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई हम फिर से कहेंगे अभी आपके हमने आप, आपके स्पीड का टेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी हम पांच सवाल के बाद स्पीड निकाल स्पीड का टेस्ट होगा अड़तीस तो हो गया अड़तीस का मतलब हो गया सात गुड़े पांच पैंतीस फिर तीन आएगा फिर सात गुड़े पांच पैतीस कहानी आ चुकी है एक्स अपॉन हंड्रेड चार सौ तिरपन लिखा हुआ है अब ये बताएं आप देखने में खतरनाक लग रहा है कि नहीं दिल से बताना बहुत जल्दी आंसर निकल नहीं रहा है आपका अब एक काम करो एक्सअपॉन हंड्रेड है ना एक्सअप हंड्रेड बगल में लिखा है अब कितना बचा तो अब कितनी बार जा रहा है तीन बार दिख रहा नहीं दिख रहा आप खुद ही देखो ये कितनी बार दिख रहा है आपको तीन बार पूरा पूरा दिख गया तीन बार नीचे कितना है बीस बीस तीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू साठ यानी आप खुद बताओ इस सवाल से ऐसा लगा ना कि हा यार

तो दोस्तों थोड़ा शेयर भी करें संख्या कम दिख रही है आपको भी दिख रही होगी कम है ना चलिए जल्दी से कल सारे लोगों ने जो एक काम करना आप जो कल मैंने मैराथन ली थी एस मतलब पीयू मेन्स लेवल की ठीक है दो घंटे दो घंटे सवा दो घंटे तकरीबन मैंने क्लास ली है वो सवाल एक बार एक बार सारे लोग देख लेना और इस चीज को देख लेना कि हाँ आगे आपको यही करना है ठीक है चलिए तो इस सवाल पे आते हैं इस सवाल में अगर हम दोस्तों ध्यान से से देखें तो लिखा है कितना 1042 डिवाइड बाय आराम सॉल्व करें इस चीज को 1042 डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड बाय कह रहे हैं यार क्या लिखा है फिर लिखा है प्लस एक्स और डिवाइड बाय कितना है थ्री ध्यान से देखें पॉइंट के बाद एट था इसलिए मैंने 1041 को एक बढ़ा के लिखा बाकी प्लस एक्स ठीक है यहां तक फिर इस जगह पे आते हैं ये नंबर मेरी कितनी हो जाएगी 1816 देखो अभी हम लिख रहे हैं तीन, तीसरा सवाल है ना अभी चौथे सवाल तक पांचवे सवाल तक लिखेंगे फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन वगैरह सब ऊपर ही करना शुरू कर देना पहले पांच आराम से देख लें आप डिवाइड बाई कितना लिखा आपने कहा फोर लिखा हुआ ठीक है अब जब आप इस चीज को टर्मिनेट करेंगे चार से कैंसिल किया तो चार गुड़े चार दो आ गया चार पंचे बीस और इक्कीस सौ बीस घटाओगे भाई कितना हो जाएगा एक यानी चार घुड़े चार सोलह हो गया अब यहां पे ये लिखा वन जीरो फोर टू ठीक है और प्लस लिखा हुआ है एक्स अब ये हमारा तीन मल्टीप्लाई होगा तीन गुड़े चार बारह दो कैरी एक के बराबर पैंतालीस गुड़े तीन एक सौ पैंतीस और एक मिलके हो गया हमारा एक सौ छत्तीस के बराबर सही रहा इतना फिर इसके बाद अब इसमें घटेगा तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट घटा के ही लिखें देखो दो में दो घटाओगे जीरो छह में चार घटाओगे तो दो आ जाएगा तेरह में दस घटाओगे तीन आएगा तो तीन सौ बीस ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहा ध्यान रखें अप्रोक्सिमेशन आपका जो आपके प्रियो पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं जितने भी उसमें अप्रोक्सिमेशन ही पूछा जाता है क्लरिकल प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन

चलिए बहुत बढ़िया अभी तीस वही है ना अभी तीस तीस सेकंड का टाइम दे रहे हैं अभी बहुत तेजी बनाने की अभी कोशिश मत करें आप सारे लोग हाँ जल्दी कोशिश करें कि कितनी जल्दी आ सकता है लेकिन सीख सीख के चलिए ठीक है, तो समय समाप्त होता है अब इस जगह पे आते हैं आप देखिए दोस्तों ध्यान से लिखा है सात सौ अड़सठ यहां पर लिखा है बारह तो 12 को सात से अगर टर्मिनेट करो यही चीज हम आपसे कह रहे थे अभी हम आपसे यही कह रहे थे कि चीजों को अब जरूरी नहीं कि ग्यारह दशमलव नौ लिखा तो आप एक बार बारह लिखे इसको ऐसा जरूरी नहीं आप ऊपर ही कर सकते मतलब हैं कितना हो गया आपका सेवन सिक्सटी एट तो बारह से जब आप सात सौ अड़सठ को काटेंगे तो कितनी बारह छिहत्तर घटाओगे चार अड़तालीस यानी बारह घुड़े चार अड़तालीस तो ये पोर्शन हो गया मेरा मल्टीप्लाइड बाई दो सौ छप्पन का स्क्वायर रूट कितना होता है आप कहते हो सोलह होता है कहो हाँ दो सौ सत्तावन लिखा है ना हमने इस टू फिफ्टी सेवन को क्या लिख दिया टू फिफ्टी सिक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख दिया दोस्तों टू फिफ्टी सिक्स जिसका स्क्वायर रूट क्या

कितना हो जाएगा सोलह चौके चौसठ चार कैरी छह के बराबर सोलह गुड़े छह छानबे छानबे और छह मिलके हो गया एक सौ दो के बराबर ठीक और माइनस कितना लिखा है सिक्सटी एट तो सिक्सटी एट घटाएंगे जब आप चौदह में आठ घटा दिया छह यहां बचा कितना एक ग्यारह में छह घटा दिया पांच और फिर आ गया मेरा नौ तो नौ सौ छप्पन मेरा आंसर रहा लेकिन ध्यान रखें ध्यान रखें आप सारे लोग हो सकता है नौ तो आया कैलकुलेट करके और कहीं पे नौ लिखा होता तो इकाई अंक से करते तो गलत कर जाते ना आप लोग यूनिट डिजिट से करते तो गलत हो जाता कि नहीं हो जाता अगर नौ सौ अट्ठावन होता यहाँ पे तो हम नौ ही मार करते हम इसके करीब की वैल्यू को मार कर रहे होते हैं ठीक है आइए पांचवा सवाल अब इसके बाद स्पीड का खेल शुरू होने वाला है ठीक है स्पीड के साथ भाई तुम तो लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो मतलब, मतलब नहीं कर रहे हो ना तो लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो क्यों चलो कोई बात नहीं आते हैं इस सवाल पे क्या लिखा आपके सामने भाई 114 लिखा है एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 114 114 को हम क्या कर सकते हैं अभी 114 ही लिखो इसको 114 लिख दिया माइनस फिर कितना लिखा है मल्टीप्लाइड बाई पांच ऐसा दिख चौबीस मल्टीप्लाई बाई पांच का मतलब हो गया एक सौ बीस बराबर एक सौ तिरसठ लिखा हुआ सिर्फ एक सौ तिरसठ लिखा है इतनी कहानी है आपके सामने अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक सौ चौदह माइनस देखो ध्यान से एक सौ चौदह एक सौ बीस का डिफरेंस कितना माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर यह है तो माइनस सिक्स उधर जाएगा तो भाई एक सौ तिरसठ के बाद प्लस सिक्स हो जाएगा और प्लस सिक्स का मतलब वन सिक्सटी नाइन यानी कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्स की वैल्यू तो कितनी आ गई थर्टीन ऑप्शन ही हो चुका है अब हाँ फिर कह रहे हैं स्पीड अब दिखाए मेरे दोस्तों अब स्पीड दिखाओ पांच कंप्लीट कर चुके हो पांच कंप्लीट हो चुका है की क्लास, ली। कल मैंने लिया था क्लास भाई ठीक है तो हाँ पीओ में चूंकि दिन भर का शेड्यूल ऐसा है कि यूट्यूब पे नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने कल ढाई घंटे ली थी अगले संडे फिर हम तीन साढ़े तीन घंटे के लेंगे है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कहते हो वो तो हम करते हैं तो आप भी थोड़ा सा समझ गए होगे ना हाथ थोड़ा लाइक वाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और अब पांच सवाल से सीख लिया आपने अब इसको हैबिट में लाना है अब आपको परफॉर्म करना है ठीक है क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह की प्रोसेस सीख चुके हो अब प्रोसेसिमेशन के कुछ आधारभूत चीजें बेसिक्स जाने थे वो आपने जान लिया तो तैयार सारे लोग तैयार हो ना भाई छठवा सवाल डायरेक्ट आएगा एकदम अब हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि भाई जल्दी फटाफट से आंसर करें आप सारे लोग भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर अब आप खींच के आंसर करना अब देखते हैं आंसर आता किसका पहले है चलिए शाबाश अपने दोस्तों के दोस्तों के बीच में शेयर किया करो ना अपने दोस्त को बुलाया करो ऐसे नहीं कि कह रहे कि लिंक फॉरवर्ड कर दो इधर उधर अपने दोस्तों को शेयर का मतलब अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दो है ना ये होता है थोड़ा कहते हैं कि इधर उधर चलिए हाँ, रोहित राज बहुत सही जगह तुम पूछ रहे हो पूछ रहे कब होगी डिटेल तो इसे पे, कमेंट बॉक्स में पूछा है? रोहित राज हाँ तुम कल क्लास मिलो फिर तुम्हें हम पूछते हैं ये कौन सी जगह है पूछने की चलो सिक्स पॉइंट नाइन नाइन का मतलब सेवन होता है सेवन का स्क्वायर कितना हो गया आपने कहा फोर्टी नाइन चलो प्लस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर ठीक है माइनस अब 85 के आसपास सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर आपको 81 मिलता है नहीं कह सबसे नजदीक इसके क्योंकि भाई अगर पीछे आएंगे आठ का स्क्वायर चौसठ चौसठ से तो बहुत बड़ा बच्चा सी 81 के हाँ में है तो हम क्या लिख देस हो गया चालीस और चौसठ जोड़ दिया तो वैल्यू एक के बराबर एक ऑप्शन नंबर डी अब कई लोग घबराहट हो रही है वहां पर पचास को कैसे इक्यासी गुरु ले लिया या तो उसके आसपास देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो है कि नहीं आइए अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर सेवन टाइमर स्टार्ट चलिए साबश उड़ा के एकदम कमजोरी मत दिखाना कि यहां कमजोर हैं हम चलिए हाँ भाई तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आप कोशिश करें कि 30 तो बहुत ज्यादा भी टाइम दे रहे हैं। आप खुद जानते हो इन सब में इतना आपस 30, 30 आप में कि हाँ, पहले ना है किसी तो तीन आ जाएगा, कहो हाँ, बाई, का मतलब होता है अट्ठारह लिख दिया ठीक है अब डिवाइड बाई कितना तो पैंतीस दशमलव आठ का स्क्वायर रूट लोगे तो छह आ जाएगा बराबर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर सही इतना बराबर बराबर से कैंसिल कर दिया आ आ गया तो तीन गुड़े, तीन नौ, नौ की की नौ की तो की 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 वैल्यू 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 अगर के चुका सवाल आसान है अब खींच के आंसर करें सारे लोग बिल्कुल भाई ठीक है चलिए अगले सवाल पे आते हैं टाइमर स्टार्ट होता है ठीक है ओके ठीक है समय समाप्त टाइम अप टाइम अप टाइम टाइम अप अब देखा जाए हाँ भाई इसको सॉल्व करना है हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना थर्टी फोर को किससे थ्री से, 3 से. ठीक थर्टी फोर आपने स्टडी प्लान देखा था ना इसका स्टडी प्लान आप सब, नो, सब लोगों ने देखा है, प्लान में, के दो है। आज नॉर्मली करवा रखिएगा तो चौतीस को जब तीन से मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ दो ठीक माइनस तेरह को जब सात से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइनटी वन और बराबर कितना लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर इतना सही है तेरह गुड़े सात इक्यानबे सही है चौतीस को तीन से मल्टीप्लाई कर दिया यह बात भी सही रही भाई फिर इसके बाद दो में एक घटा दिया एक दस में नौ घटा दिया एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्यारह तो एक्स की वैल्यू क्या सिंप्लीफिकेशन में सीख चुके हो एक्स की वैल्यू कितनी ग्यारह का स्क्वायर कितना वन ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा नेक्स्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आपका आपके सामने टाइमर चलिए जबरदस्त ठीक है <clears throat> देखो एस बी आई का रिजल्ट आ चुका है अभी क्या है कि बहुत ज्यादा उस पे ट्रैफिक आ गया साइड पे इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं अभी ठीक है कि सर ओपन ही नहीं हो रहा ओपन ही नहीं हो रहा है हाँ तो घबराने की जरूरत नहीं है ओपन नहीं हो रहा है तो थोड़ा इंतजार करो एक साथ जब ट्रैफिक पे एक साथ जब साइड पे ट्रैफिक आता है तो उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है तो चिंता मत करो ठीक है हाँ तो यहां पे कितना लिखा आपने कहा पच्चीस चौबीस लिखा हुआ है ठीक है कितना लिखा है दोस्तों टू के बराबर लिखा हुआ है ठीक और डिवाइड बाय ये कितना है 16 लिख दिया डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा चार हो जाएगा ठीक है माइनस ये कितना लिखा आपने कहा 331 लिख दिया 331 ठीक है और बराबर पांच का स्क्वायर ये देखो 5.0 का मतलब पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 फाइव मल्टीप्लाइड बाई ये एक स्टेप लिख दिया मैंने अब इसके बाद खींच के कर दो इसको कैलकुलेट पूरा है भाई कैसे करेंगे आप चार से कैंसिल किया चार से कैंसिल किया तो कितना आ गया चार छ चौबीस पच्चीस में चौबीस घटाओगे एक बारह बारह का मतलब चार घुड़े तीन बारह चार एक छे सौ इकतीस में तीन सौ इकतीस घटाओ सौ इकतीस में तीन सौ इकतीस घटाओगे तो तीन सौ आ जाएगा और तीन सौ की वैल्यू कितने के बराबर है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो ट्वेंटी फाइव से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा जवाब आपका बारह के बराबर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सबका सबका आ रहा है ना हाँ ठीक है चलिए अभी से चीजों के अब देखो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना जब हम एग्जाम इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन आ जाए फिर वही कि हे भगवान किसी तरीके से हो जाए मेरा हे भगवान किसी तरीके से गुरु जी स्पीड नहीं निकल रही है क्या करें क्या करें अरे जब वक्त रहते तुम लोग उसी लेवल की मेहनत कर दो कहा गया ना बड़ी खूबसूरत सी बात की शांति के समय इतना पसीना बहाओ कि युद्ध के समय खून न बहाना पड़े हम लोग युद्ध के समय ही चाहते हैं कि बस आखिरी रात में कैसा पढ़ के निकल जाए है ना तो ये कहीं ना कहीं बुद्धिमानी नहीं है मेरे दोस्तों है ना हमें समय के साथ ही समय से थोड़ा पहले अगर हम लोग अवेयर रहे जैसे कि आप सारे लोग हैं जो इस चीज को शिद्दत से ले रहा है सीरियस ले रहा है वो को लास्ट में उसको अफरा तफरी तो थोड़े करनी पड़ेगी है ना चलिए अगले सवाल पे दसवां सवाल आ रहा है लीजिए टाइमर स्टार्ट होता है <coughs> आ जाएगा भाई अंजलि प्रकाश जी आईबीपीएस का कैलेंडर कब आएगा बस आ ही जाएगा चिंता कर रहे हो ठीक है हाँ लाइक वाइक तो सारे लोग टच करते रहे भाई। देखो, सबसे पहले तो लाइक ही किया करो जैसे पहुंचे हो तुरंत लाइक टच करो पहले चलिए समय समाप्त होता है जल्दी से है ना युद्ध शुरू हो गया क्या बस तैयारी जल्दी बेटा कहां थे आप चलिए तो परसेंटेज का मतलब क्या करेंगे आप डबल जीरो टर्मिनेट करेंगे चलो परसेंटेज से डबल जीरो टर्मिनेट हुआ इस परसेंटेज से ये डबल जीरो टर्मिनेट हुआ यानी बेसिकली देखा जाए तो हमारे सामने बचा कितना है आपने कहा थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी और प्लस सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी और डिवाइड बाय कितना बचा है दोस्तों आपने कह दिया 32 बचा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है बराबर यहां पे है बारह सौ इसको मुझे टर्मिनेट करना है ठीक है सबसे पहले आप देखो किससे टर्मिनेट करेंगे छोटा छोटा करो चार से काटे तो नीचे आठ आ जाएगा चार कटेगा तो कितना चार से इसको काटो पहले चार गुड़े नौ छत्तीस हो गया ठीक है इसको हटा दो कर सकते हैं तो, तो कितना पंद्रह यानी कि नौ पचे पैंतालीस और पंद्रह गुड़े उन्नीस जोड़ना है फिर दो से डिवाइड करना है ठीक है भाई जोड़ना है फिर दो से डिवाइड करना है और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक डेसीमल टाइप में कुछ आ जाएगा तीस आ रहा है आंसर चलिए यहां तक तो कहानी हो चुकी है मेरी क्लियर ठीक है नीचे दो बच रहा है ना यार और वहां पे 1245 सो पैतालीस जोड़ेंगे हम लोग ओके डेसिमल आ रहा है क्या नहीं तो ऊपर कितना होगा जरा देखो नौ पचे पैतालीस उन्नीस गुड़े पंद्रह कितना हो जाएगा तो उन्नीस पंद्रह का मतलब सत्रह दो उन्नीस सत्रह में दो घटा मल्टीप्लाई मतलब करने के लिए कह रहे या तो ऐसे भी कर सकते हो उन्नीस पचास पंचानवे पांच नौ कह रहे उन्नीस एकम उन्नीस नौ अट्ठाइस दो सौ टू एट्टी फाइव और ये पैतालीस तो टू एट्टी फाइव प्लस पैंतालीस जोड़ दो अच्छा बेवजह कंफ्यूज यार रहे थे दो सौ पचासी और पैतालीस जोड़ोगे जीरो आ जाएगा भाई ठीक है पचासी अरे ये 45 है और ये है हमारा दो सौ के जोड़ दिया पांच पांच दस जीरो तैतीस तीन सौ तीस बटे दो बारह सौ पैंतालीस ठीक है और बराबर एक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी सेवन बस आगे आपका आंसर ये दो से कैंसिल करोगे दो एक कम दो फिर कितना दो छंग बारह और दो पंचे दस एक हो गया बारह सौ में जुड़ेगा तब कितना आएगा पांच पांच दस जो और ये कितना छह चार दस दस एक ग्यारह एक कैरी बारह एक तेरह और एक मिलके चौदह सौ दस और चौदह सौ दस को जब आप सैतालीस से डिवाइड करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा जाएगा कितनी बार जाएगा? ये तीन एक किस, तीन तो यानी आ गया ऑप्शन नंबर सी सी थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन थी आ, <coughs> रिजल्ट नहीं खुल रहा परेशान होने की जरूरत है वही चीज अभी समझा रहे थे आपको ठीक है वही चीज समझा रहे थे परेशान होने की जरूरत नहीं जब कभी कभी है ना हेवी ट्रैफिक आता है किसी साइड पे तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है साइट। आइए ग्यारहवीं सवाल पे मूव करते हैं दोस्तों ठीक है टाइमर ऐसे कैसे कट कर दिया सबको चार से सबको चार से डिवाइड करो ना आराम से हो जाएगा कहीं पे अगर लिख दिया जाए a मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एट और डिवाइड बाई फोर पूरे का लिखा है जब पूरे के डिनोमिनेटर में रहता है तो इसका मतलब पहले वाले टर्म के भी बगल डिवाइड बाई फोर और उस वाले टर्म के भी डिवाइड बाई फोर ठीक है इस तरीके से कट किया गया था बहरहाल इस सवाल पे आते हैं टू का स्क्वायर कितना हुआ जल्दी जल्दी बताओ फिर फटाफट से आंसर टू का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे थ्री की पावर है क्वेश्चन मार्क और मल्टीप्लाइड बाई पांच दमलव नौ मतलब छह का स्क्वायर हो गया छत्तीस के बराबर और फिर आगे लिखा ग्यारह दशमलव नौ यानी बारह का स्क्वायर हो गया एक सौ चवालीस के बराबर मल्टीप्लाइड बाई मतलब हो गया नौ के बराबर इतना लिखा हुआ है पचास आंसर देखो इनको पचास पता नहीं कहां से निकाल दिए आप है सिंप्लीफाई किया जाए अब बताओ छत्तीसगुड़े चार एक सौ होता है ना पूरा देखो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर पूरा एक सौ होता है एक सौ कट गया खत्म एक सौ चवालीस और तीन की पावर x की वैल्यू अगर नौ के बराबर है तो तीन की, नौ को तीन की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे ना तीन का स्क्वायर तो अगर बेस बराबर तो पावर भी आपस में इक्वल होगी यानी x की वैल्यू कितने के बराबर दो के बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहा हो गया सबका चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार की हो भाई आप सारे लोग अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ठीक है अब देखो मैं आपको बता देते हैं एक चीज मेरे पहले इसको हो जान दो और आंसर बताओ आप सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा बता देते हैं अभी देखो जिस तरीके से हम लोग का स्टडी प्लान है इस जीरो टू हीरो का उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है है ना और उसके बाद अप्रोक्सिमेशन के दो लेक्चर हैं तो अप्रोक्सिमेशन का एक लेक्चर तो आज कंप्लीट हो गया अब अगला जो होगा वो पीओ प्रीलिम्स टाइप का कल होगा ठीक है जहां पर स्पीड के साथ करना है तो ये दो लेक्चर हो जाएंगे फिर इसके बाद आपकी अर्थोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी ध्यान रखिएगा सारे लोग अर्थोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और अर्थोमेटिक की कहानी हमारी कल तो अप्रोक्सिमेशन सेकेंड उसके बाद अर्थोमेटिक शुरू हो जाएगा यहां से आपको बहुत गंभीर रहना है एकदम पंक्चुअलिटी के साथ और एक चीज जैसे ये बताएं आप सारे लोग ऐसे लेकिन ये क्या है कि शुरू होगी तो फिर नॉन स्टॉप अर्थोमेटिक ही रखेंगे लेकिन क्या है कि स्पीड भी तो जरूरी है आपकी इसके लिए हर सैटरडे हर सैटरडे मेरे दोस्तों हम लोग क्विज रन कराएंगे हर सैटरडे ध्यान रखिएगा ठीक है हर सैटरडे क्विज इस तरीके से फॉर्मेट पूरा लेके चलने वाले हैं क्लियर है इतनी बात हाँ भाई करके बताना अगर इसमें आपको कोई भी संदेह हो कि हाँ ठीक है सर इसको थोड़ा सा और चेंज किया जाए है ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि पढ़ने में मजा भी आता रहे है ना है ये ऑटोमेटिक चल रहा है तो चल ही चले ही जा रहा है, है ना आइए बहरहाल इस सवाल पे हम लोग मूव करते हैं अब जरा ध्यान से देखो पावर कंपेरिजन वगैरह सब सीख चुके हो यहां पे लिखा है चार एक बटे बारह यानी कितना हो जाएगा आप कहोगे एक बटे तीन यानी चौसठ की पावर एक बटे तीन करोगे तो चार आएगा मल्टीप्लाइड बाई पंद्रह दशमलव नौ का मतलब सोलह होता है लिख दिया सोलह प्लस इकतीस दशमलव नौ का मतलब होता है बत्तीस लिख दिया बत्तीस मल्टीप्लाइड बाई सात दशमलव नौ का मतलब होता है आठ बराबर लिखा है एक्स मल्टीप्लाइड बाई आठ के ऐसे लिखा हुआ है चलिए तो एक बात बताओ आठ से तो पूरा कट जाएगा ना अभी इसके पहले जरा देखो जो आपके सामने किया था मैंने अगर हम डिवाइड करें आठ से हर एक चीज को तो इसके भी बटे में आठ आएगा इसके भी बटे में आठ आएगा इसके भी बटे में आठ आएगा तो आठ तो कैंसिल हुआ, आठ से, ये कैंसिल हुआ आठ से इसको कैंसिल करोगे दो आ जाएगा यानी चार दुना आठ यहां पे कितना बचा एट प्लस यहां कितना बचा है बत्तीस और उधर कितना बचा है एक्स मेरा आंसर मेरे सामने रहा आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ी तो यही छोटी छोटी अप्रोचेस आप अपनी हैबिट में धीरे धीरे करके लाएं ठीक है क्लियर है <coughs> समझ पा रहे हो ना बस ऐसे ही करना है आइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपकी स्क्रीन पर ये आपका टाइमर अर्थमेटिक धुआं धुआं कर दिया जाएगा हाँ बिल्कुल धुआं धुआं करना ही है भाई धुआं धुआं ही करना है टिक एडवांस का बैच चल तो रहा है दक्ष फाइव हाँ फाइव और क्या है चलिए भाई आंसर बताओ इसका देखने बहुत जटिल सी संरचना लग रही है इसकी है ना है ना बड़ी जटिल सी संरचना लेकिन है कुछ नहीं आप देखो क्या लिखा है सबसे पहले थ्री पॉइंट नाइन नाइन थ्री पॉइंट नाइन नाइन का मतलब होता है फोर है ना थ्री पॉइंट नाइन नाइन का मतलब फोर होता है तो चार का स्क्वायर करोगे कितना आएगा सिक्सटीन यहां पे लिखा 144 144 का स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना लिखा आपने कहा स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया डिवाइड बाय 15.9 का का मतलब मतलब 16 और ये 7.9 मतलब 8 यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो गया ठीक है बराबर 2.9 का मतलब 3 3 का क्यूब होता है 27 मल्टीप्लाइड बाय 7.9 का मतलब होता है 8 लिख दिया 8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 के बराबर बस इतनी सी कहानी है यहाँ पे और कुछ नहीं बस इतनी सी बात है ठीक है भाई टर्मिनेट कर दिया जाए अब चार से कैंसिल करोगे इसको तो ऊपर दो आ जाएगा ठीक है <coughs> सोलह से सोलह मेरा कैंसिल हो ही गया फिर अगर हम चार से कैंसिल करें तो नीचे दो आता है चार दुना आठ और यहां पे आ जाता है चार गुड़े तीन बारह तीन से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया नौ के बराबर यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जरा देखो कितनी बची तो आप कहोगे दो ऊपर जाएगा दो गुड़े दो चार चार गुड़े नौ कितना आ गया छत्तीस के बराबर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर थर्टी सिक्स के बराबर तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स ऑप्शन हो गया सबका ऑप्शन ये बढ़िया रहा तो देखो देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा था हे hey, राम क्या होगा कैसे होगा देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि सर कैसे आइडिया लगेगा कि अप्रोक्सिमेट निकालना है कि एग्जैक्ट निकालना है ऐसे मन में आता है ना कभी कभी तो ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेशन में प्रॉपरली लिखा होता है कि फाइंड द अप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क या फिर ऐसे भी लिखा रहता है कि वॉट अप्रोक्सिमेट वॉट अप्रोक्सिमेट वैल्यू शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मान आएगा ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे किया जाए आज तुम लोग पूरा स्थिरता मतलब बनाए हुए हो काफी देर से है ना स्थिरता मतलब हाँ बनाए हुए हो साढ़े बारह सो बारह सो तीस शेयर वगैरह करने का मन नहीं करता ना मन करता है छोड़ो कौन शेयर करे आराम से चलिए बहुत अच्छी बात है हाँ। होना भी ऐसे चाहिए है ना चलिए बहरहाल कितना लिखा है यहाँ पे 23 थ्री यहाँ पे कितना लिखा है 23 है ना तो 23 और 23 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा आपका हो गया पांच हो जाएगा हो जाएगा 23 का स्क्वायर 23 गुड़े तेईस पाँच प्लस ये कितना लिखा है ग्यारह दशमलव आठ का मतलब होता है बारह और सात दशमलव नौ का मतलब होता है आठ तो बारह और आठ मल्टीप्लाई करेंगे तो छानवे और इधर लिखा है, है ना ऐड करते नौ और 6 मिलके कितना हो गया पंद्रह पांच कैरी एक के बराबर नौ एक दस दो बारह दो कैरी एक के बराबर तो पांच और एक मिलकर छ एक्स स्क्वायर की वैल्यू छह सौ पच्चीस के बराबर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू छह सौ पच्चीस तो एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर रहा बहुत शानदार बहुत बढ़िया आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और ये टाइमर बहरहाल का मतलब क्या होता है अच्छा बहरहाल का मतलब <laughs> बहरहाल मतलब कि ओके सो बाय द वे ये होता है बाय द वे बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट बहरहाल चलिए बात करते हैं अब समझे फिलहाल बहरहाल मतलब जैसे होता है ना कि किसी टॉपिक पे बात हो रही है जैसे मान लो हम क्योंकि करवाना है ये हमको ये इस पे मेरा फोकस है ये मेन टास्क है और इससे अलग थोड़ा सा हम आपको कुछ बताने लगे तो फिर ऐसी चीजें होती है, फिर ये होता है ये होता है वो होता है बहरहाल तो मतलब किसी रनिंग टास्क को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इस शब्द को है ना प्रयोग कर सकते हैं चलिए वो सब तो अलग बात है लेकिन यहां पे आते हैं ऐसे तो ये कितना लिखा है आपने कहा तीन सौ साठ ठीक है तीन सौ साठ मल्टीप्लाइड बाई यह कितना चौदह दशमलव नौता है पंद्रह तो एक बटे पंद्रह लिखेंगे फिर डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई लगा के लिख दिया एक बटे सत्रह दशमलव नौ का मतलब आठ होता है लिख दिया मैंने बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स लिखा ठीक है, है भाई हमें इसी को काटना है ठीक है तो छह से पहले अट्ठारह को काट दो खत्म करो इसको तीन आ गया पंद्रह से इसको टर्मिनेट करेंगे तो पंद्रह दूनी तीस और पंद्रह चौके साठ तीन से काम करते हैं तीन से चौबीस को काट देते तो आठ आ जाएगा अब ये आठ ऐसे लिखो मल्टीप्लाइड स्क्वायर है ना दो सौ अट्ठासी को हम क्या लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई वन फोर्टी फोर हाँ लिख सकते हैं बराबर कितना है एक्स स्क्वायर अब ऐसा लिखने से थोड़ा आसान हो गया मेरा काम क्यों क्योंकि जब इस तरीके से लिख दिया तो आठ दुनिया सोलह से मुझे मिल गया कितना चार और एक सौ चौवालीस से मुझे मिल गया क्या बारह तो बारह और चार को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अड़तालीस आ जाएगा आपको ज्यादा गुड़ा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना ज्यादा आपको गुड़ा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वरना फिर पूरा मल्टीप्लाई करते फिर स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन तो बहुत, हाँ। तो बहुत तेज खत्म खत्म कर ही देते हो है ना तो हाँ बस करते हैं आज के सेशन को पहली क्लास थी एक तरीके से छोटी हो गई यार धोखा हो गया आज क्लास है ना बहरहाल कोई बात नहीं ठीक है कल हम लोग लंबी क्लास करेंगे आज की क्लास थोड़ा छोटी सही तो थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया करो तुम लोग भी शेयर वगैरह करते रहो आज शुरू होते ही खत्म हो गया ऐसा लगा ना शुरू होते ही खत्म <clears throat> चलिए तो मेरे दोस्तों हम आपको बता दें कुछ ये इस क्लासेस इस क्लास के बारे में ठीक है अभी अपने बैचेस के बारे में थोड़ा सा जान लो जैसे कि मेरी क्लासेस जो चल रही है मेरे दोस्तों वो इस तरीके से चल रही है जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लें जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो कोशिश करें सब्सक्रिप्शन ले लें ठीक है तो बारह से जो डेढ़ चल रही है वो हमारी पी मतलब पी यू स्पेशल चल रही है ठीक है पी यू स्पेशल अर्थमैटिक वगैरह के लिए ठीक फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद तीन बजे शुरू हो जाता है तीन से साढ़े चार ठीक है ये पीओ मेंस के लिए ही डीआई चल रही है स्पेशल डीआई सेशन पूरा फिर मेरी दक्ष क्लास होती है फाइव टू सिक्स थर्टी ये फाउंडेशन क्लास है ऑल बैंकिंग मैथ्स के लिए ठीक है मैथ्स स्पेशल मतलब कि 2021 दिन का टारगेट है सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए तो ये क्लासेस हैं फिर आप नाइन पीएम पे तो यूट्यूब पे हमसे मिलते ही मिलते रहते हैं ठीक है इतना ओके okay, तो आप तो है, है तो आपको एनरोल कराना है तो जहां पे आता है ना ऑफर्स अवेलेबल तो जो कोड आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो सेवेंटी एट परसेंट ऑफ मिलेगा तो आज के सेशन में इतना ही खुश रहे आप सारे लोग शुरू होते ही सेशन खत्म हो गया है ना पता ही नहीं चला आज तो तो शेयर करें आप सारे लोग अपने दोस्तों के बीच में कल मिलते हैं बड़े स्तर पर तूफान की तरीके से ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ठीक है गुड नाइट दोस्तों